Fear Jungle. आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेप को यूज कैसे करें और सेप की मदद से एक लोगो डिजाइन कैसे करें। आप देख रहे हैं आइकॉन वेलफेयर सोसाइटी यूट्यूब चैनल, जहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बताया जाता है। और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के दबाएं, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेप हमारे दो तरीके के होते हैं, 2D एंड 3D। 2D सेप सर्कल्स, रेक्टेंगल्स एंड 3D सेप स्फीयर एंड क्यूब। हेलो एवरीवन, आई एम सुधीर कुमार कौशल और मैं इस टीम का एंकर हूँ। आज मैं इंसर्ट बताने वाला हूँ। इंसर्ट के शेप के बारे में हर एक ऑप्शन को क्लियर करूंगा, तो चलिए जानते हैं। पहले हम लोग बिनवर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारा बिनवर्ड स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा बिनवर्ड स्टार्ट हो गया। इसमें पहले हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में शेप में ऑप्शन में आएंगे। शेप में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ढेर सारा शेप है। आप यहाँ पर कोई भी एक शेप ले लेना। मैंने एक शेप उठाया, ये इस शेप में आपको कलर के साथ इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, या तो फिर इस टैग्स में आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट टैग्स है, यहाँ से आप इसमें लिख सकते हो। और हम अनदर कलर फिल करना चाहें तो यहाँ से सेव फाइल में आ जाएंगे, फिल में, सेव फिल में। इसके बाद यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, यहाँ से आप ले लेना कोई भी। यहाँ पे मोर फिल कलर्स है, यहाँ पे पिक्चर्स भी आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने एक पिक्चर लेते हैं यहाँ से, ये हमारा डेस्कटॉप में ऑलरेडी सेव है, यहाँ से ले लेते हैं। मैंने एक पिक्चर ले लिया, देखिए यहाँ पे हो गया। अगर आप चाहो तो अनदर कलर भी ले सकते हो, इसे ग्रेडियंट भी कर सकते हो कलर के माध्यम से यहाँ पे, या तो फिर आप पैटर्न में जा करके, दो कलर पैटर्न आता है, आप दोनों को कंबाइन करके कोई एक ले लेना। सेफ आउटलाइनिंग में क्या होता है कि ये इसका बाउंड्री जो है ये यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कलर के साथ। ये देखिए यहाँ पे कलर हमारा चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेफ चेंज शेप में आते हैं। यहाँ पे आप शेप चेंज शेप में अनदर शेप को चेंज कर सकते हो इससे। और यहाँ पे हमारा है शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट में क्या होता है कि ये इसका शैडो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर शैडो का ऑप्शन है, कोई भी कर सकते हो शैडो। और ये हमारा शैडो का ये रोटेट करने का ऑप्शन है, यहाँ पर से आप रोटेट कर लेना शैडो को। मैंने ये शैडो लिया, इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं, रोटेट हो रहा है हमारा। आप जाए ऊपर, डाउन, नीचे, जो करना चाहते हो आप कर लेना यहाँ पर से। और ये हमारा 3D है। 3D में क्या होता है कि आप इसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने ये 3D ले लिया, कोई भी एक ले लिया, ये 3D हो गया। और आप 3D नहीं लेना, नो 3D यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 3D का ही, यहाँ पर से आप रोटेट कर देना 3D को लेकर के। और हमारा आप आते हैं पोजिशन में। पोजीशन में क्या होता है कि किसी पेज में कहाँ आप शिफ्ट करना चाहते हो वो इसको कहीं पे शिफ्ट कर सकते हो इसके माध्यम से। हमारा ब्रिंग टू फ्रंट है। ब्रिंग टू फ्रंट में करने के लिए आपको एक और शेप लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर से एक शेप ले लेते हैं, ये ले लिए। उसके बाद आप इसे इस पे इसके साथ कर सकते हो। अगर आप इसे इसके ऊपर करना चाहो तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर लो पहले पिक को। उसके बाद फॉरवर्ड में जाकर के यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट में जाएंगे तो ये ऑलरेडी हो गया। अगर बैक करना चाहो तो यहीं पर ऑप्शन है हमारा सेंड टू बैक, इसमें क्लिक करेंगे तो बैक हो गया। इस तरह से आप कर लेना यहाँ से। ये हमारा है टेक्स्ट वार्पिंग। टेक्स्ट वार्पिंग में क्या होता है कि जैसे कि इन लाइन विद टेक्स्ट है, इसमें आपका लाइन के साथ टेक्स्ट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ये टेक्स्ट के साथ हमारा पिक जा। ये हमारा पूरा शेप खत्म हो गया। तो चलिए हम शेप के माध्यम से आइकॉन का लोगो बना के दिखाते हैं।